नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे HSSC JEE और क्लर्क के रिजल्ट को लेकर। देखिए दोस्तों, आप सभी के मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा था तो JEE रिजल्ट को लेकर और क्लर्क रिजल्ट को लेकर काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर JEE रिजल्ट के बारे में बताइए, क्लर्क रिजल्ट के बारे में बताइए, अब इंतज़ार करके हम परेशान हो चुके हैं और आप बताइए अब हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो आज की इस वीडियो में उसी के ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे और जो आपके कमेंट इस रिजल्ट को लेकर आए हैं, चाहे मैं JEE सिविल की बात करूं या फिर क्लर्क के रिजल्ट की बात करूं या फिर SBC पेंडिंग रिजल्ट की बात करूं, उन कमेंट्स के बारे में ही इस वीडियो में आपका जवाब देने जा रहा हूँ। तो जो भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, रेगुलर और लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं जॉब और जॉब से जुड़ी, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर, और हाई कोर्ट में लगभग हरियाणा की हर एक भर्ती पर कोर्ट केसेस चलते रहते हैं, उनसे संबंधित जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, आप सभी भली भांति जानते हैं लॉकडाउन चला हुआ 14 अप्रैल तक हरियाणा के अंदर और पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट है, जिसको लेकर आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल में, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, SSC हो, चाहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC हो, या फिर कोई भी स्टेट रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, सभी ने अपने स्किल टेस्ट हो या फिर रिटन एग्जाम हो या फिर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, स्क्रूटनी हो, सब कुछ पोस्टपोन कर दिया है टिले 14th of April। तो आप ये मान के चलें कि आपका JEE का और क्लर्क का रिजल्ट जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है या फिर कहिए जब तक स्थिति सुधर नहीं जाती है कोरोना के सामने, भारत कोरोना से पार नहीं पा लेता है या फिर सभी चीज़ें सामान्य नहीं हो जाती हैं, तो 15 अप्रैल से पहले तो आपका ये रिजल्ट आने की संभावना न के बराबर है। अब रही बात कि डेट्स कब आएंगी, एक्सपेक्टेड डेट कब आएंगी, तो समय समय पर जैसी ही अपडेट आएंगी एक्सपेक्टेड डेट रिजल्ट की, JEE की हो चाहे क्लर्क की हो, वो आपको बता दिया जाएगा। देखिए, आज 31 तारीख तक का, 31 मार्च तक का टाइम चेयरमैन साहब ने दिया था, लेकिन स्थिति ही ऐसी उत्पन्न होगी, अगर ऐसी स्थिति ना होती तो शायद आपका 31 मार्च तक रिजल्ट आ भी जाता। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि न्यू वैकेंसीज वालों को भी दिक्कत परेशानी होगी और जिन कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो रखा है उनकी ज्वाइनिंग को लेकर भी समस्या हो रही है। उसमें चाहे मैं ग्रुप डी वेटिंग, जो काफ़ी समय 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया, उनकी वेटिंग क्लियर नहीं हो रही, चाहे मैं बात करूँ इसमें ड्राइवर की ज्वाइनिंग को लेकर, चाहे मैं बात करूँ जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की ज्वाइनिंग को लेकर मैं बात करूँ, लोअर डिवीजन क्लर्क की ज्वाइनिंग को लेकर मैं बात करूँ, ग्रुप डी वेटिंग को लेकर मैं बात करूँ, ड्राइवर की ज्वाइनिंग को लेकर बात करूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। पहले गवर्नमेंट डिले करती रही, अब हालात ऐसे बन गए कि चीज़ें डिले होती जा रही हैं। तो JEE के रिजल्ट को लेकर, सिविल का जो फाइनल रिजल्ट बचता है और क्लर्क का जो आपका फाइनल रिजल्ट बचता है, उसके लिए भी आपको और 15-20 दिन इंतजार करना पड़ सकता है ड्यू टू कोरोना वायरस। तो आप आशा दुआ कीजिए और अपने घर पर रहिए, कोशिश करिए कि भाई ये चीज़ें जल्द से जल्द सही हो और आपका रिजल्ट बहुत जल्द से जल्द जारी हो जाए। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।